हेलो दोस्तों, वेलकम टू रुकी टू एक्सपर्ट। हमारा टारगेट है क्या है? नो मोर अमेचर्स। हमने कोई अमेचर नहीं छोड़ना, सबको एक्सपर्ट बना देना है। तो बेसिकली आज का हमारा वीडियो किस चीज़ पे है? मोल टूल्स पे है, जो कि हमारे एक व्यूअर की प्रॉब्लम आ रही है उसको, कोई कि कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं सिंपल। तो कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन ही करेंगे हम, एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। तो मैं हूँ सिद्धार्थ सनी। तो क्या करेंगे आज हम, क्या देखेंगे? कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन करेंगे, जिसमें हम पहले सबसे पहले एक बेसिक सा ड्राफ्ट एनालिसिस करेंगे, उसकी स्केलिंग करेंगे, फिर पार्टिंग लाइन उसकी कैसे क्रिएट करनी है, पार्टिंग सरफेस। पार्टिंग सरफेस थोड़ा मैं टिपिकल सा बनाऊंगा, नॉर्मल तरीके से नहीं बनाएंगे। फिर कोर कैविटी एक्सट्रैक्शन करेंगे, और जो रनर सिस्टम है, रनर सिस्टम बेसिकली क्या मतलब, हमारा जो स्प्रू है उसको हम मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा अलग से, विद जो रनर उसके साथ टच कर रहे हैं उसको हम अलग करेंगे। फिर कोर बॉडीज़ को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक कोर बॉडीज मीन्स के जो हमारे कोर इंसर्ट्स है उसको अलग करेंगे। और अगर नेक्स्ट लेवल, अगर इसमें कुछ और चीज़ आती है वो भी देखेंगे एक दो, ठीक है? तो ये मेरा प्रोडक्ट है सिंपल, और ये रनर मैंने डिज़ाइन किए, इसमें डिज़ाइन तो नहीं किए, बेसिकली सिंपल से हमने बनाया। और गेट है हमारे यहाँ पे, सिंपल एच गेट है। स्प्रू है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है? स्प्रू मैंने यहाँ पे बनाया है। तो और ये कोर कैविटी मैंने एक्सट्रैक्ट की है, इसकी कोर कैविटी बनी हुई है, और ये इसका स्प्रू मैंने अलग किया, एक्सट्रैक्ट किया हुआ, और जो मेरी कोर इंसर्ट्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो चलते हैं हम सॉलिड वर्क्स में। तो बेसिकली ये मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे हम इस पर, क्योंकि काफ़ी लंबा है इसका है। तो बेसिकली मेरा पार्ट है, जो इसकी हाइट है 25 है, ठीक है? हाइट इसकी 25 है, और जो मेरा स्प्रू बना हुआ है, स्प्रू बेसिकली मेरे पार्ट के टॉप पॉइंट से 25 और ऊपर है, ठीक है? नॉर्मल डिस्टेंस का 25 और, ठीक है? तो बेसिकली ये मेरा कंपोनेंट है यहाँ पे। तो क्या करेंगे इसको, हम पहले हम मोल टूल्स में जाएंगे। मोल टूल्स में बेसिकली, अगर पहले भी आपने वीडियो देखे हैं, तो अगर इसका आप नहीं देख रहे तो क्या करोगे आप, इसको राइट क्लिक करके यहाँ पे मोल टूल्स क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे मोल टूल्स आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे पास लाइन से ही सब मेरे पास ऑप्शंस पड़ी हैं, हम ऐसे ही यूज़ करेंगे पार्टिंग सरफेस को छोड़ के, क्योंकि ये मैं अलग तरीके से बनाऊंगा। तो क्यों बनाऊंगा वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने, मेरे पास फोर कैविटी मोल्ड है, मतलब बेसिकली चार कैविटीज यहाँ पे मेरे चार कंपोनेंट्स एक साथ बनेंगे एक मोल्ड में। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट मोल्ड फोल्ड करेंगे इसको। आपको अभी विजिबल कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, आगे चल के दिखाऊंगा क्या होता है इससे। पार्टिंग लाइन्स पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट हम। पार्टिंग लाइन्स क्या है? ओके, एक चीज़ मैं मिस कर गया यहाँ पे, कि पार्ट हमने पहले इसका ड्राफ्ट एनालिसिस करना है। ड्राफ्ट एनालिसिस के लिए हमारे पास ये ऑप्शन पड़ी है मोल टूल्स के अंदर, या आप क्या कर सकते हो, इवेल्युएट के अंदर जाके भी आपके पास ड्राफ्ट एनालिसिस पड़ा है। तो मोल टूल्स में जाऊँगा मैं, ड्राफ्ट एनालिसिस पे क्लिक करूँगा, और एक डायरेक्शन सेलेक्ट करूँगा जिस तरफ को मेरा मोल्ड ओपन होना है, या फिर आपका वो पोल डायरेक्शन सेलेक्ट करूँगा मैं। तो यहाँ पे 3 डिग्री मैंने दिया हुआ है आपको, जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट है ड्राफ्ट के, आप यहाँ दे सकते हो। और यहाँ पे क्या कर रहा है, जो फेस की क्लासिफिकेशन कर रहा है, ये मेरे पास पॉजिटिव ड्राफ्ट है जो 3 डिग्री आ रहा है, आप देखो ग्रीन कलर में। नेगेटिव ड्राफ्ट मीन्स अदर साइड ऑफ द कंपोनेंट, मीन्स कि आपका ये ऊपर कैविटी होगी, ये आपकी कोर होगी, ठीक है? तो रेड इज नॉट बैड, मतलब ये गलत नहीं है कि रेड आपका दिख रहा है आपको, तो ठीक है। येलो आपका क्या है, बेसिकली ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे 1.5 के ड्राफ्ट दिया हुआ है। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे 0 ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो आप जहाँ भी आपने ड्राफ्ट देना है आप दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ड्राफ्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली मेरा क्या है, बन चुका है। तो उसके बाद हमारे पास स्केलिंग कैसे करते हैं, स्केलिंग ये हमारे पास ऑप्शन है। तो मैं 1.05 को इसको करूँगा स्केल। अच्छा, अगर आपको सेंट्रोइड से करना है, बेसिकली सेंट्रोइड से कर सकते हो, आप ओरिजिन से करना चाहते हो ओरिजिन से कर सकते हो। फिलहाल मेरा सेंटर और ओरिजिन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अगर आपके पास कोई कॉर्नर सिस्टम हो उससे भी कर सकते हो। अगर आप डिफरेंट डायरेक्शन में करना चाहते हो, मतलब एक्स वाई जी डायरेक्शन अलग अलग जगह करना चाहते हो, तो इसको अनचेक कीजिए, यहाँ पे आप वैल्यू दे सकते हो, ठीक है? ये ओल्डर वर्जन में ये ऑप्शन नहीं रहेगी, बेसिकली न्यूर वर्जन में ये सॉलिड वर्क्स में है। फिलहाल मैं यूनिफॉर्म ही करना चाहता हूँ, और इसको ओके कर देते हैं। तो ये स्केल हो गया, ठीक है? तो ये मेरे पास आ गया है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, पार्टिंग लाइन्स में जाना है मैंने। तो हमने इसको दो चीज़ें कर दी है, अब इसके पार्टिंग लाइन्स में क्लिक किया। फिर दोबारा से मैं एक बार क्या करूँगा, जो पुल डायरेक्शन के लिए मैंने फेस सेलेक्ट किया था उसको दोबारा सेलेक्ट करेंगे, और ड्राफ्ट एनालिसिस करूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली ही पार्टिंग लाइन सेलेक्ट कर लेगा, आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर ये इसलिए फिलहाल ऑटोमेटिक कर रहा है, क्योंकि एक सिंपल बेसिकली फेस पे, एक सिंपल फेस पे ही पार्टिंग लाइन बन रहा है, मतलब इसकी कोई पार्टिंग लाइन है, 2D पार्टिंग लाइन है, इसलिए तो ये ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट कर रहा है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ, और ये मेरी पार्टिंग लाइन क्रिएट कर दी इसने। पार्टिंग लाइन के बाद क्या है, शट ऑफ सर्फेस। शट ऑफ सर्फेस की यूज होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पार्ट के अंदर ओपनिंग्स है, बेसिकली क्या कह सकते हैं इसको, लीक प्रूफ नहीं है ये। अगर ये यहाँ पे बंद होता है, ये ऑप्शन आती नहीं यहाँ पे, ठीक है? और एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं इसको राइट क्लिक करके एडिट करूँगा पार्टिंग लाइन को,
तो यहाँ देख रहे हो येलो आ रहा है ना, पार्टिंग लाइन इज कंप्लीट बट मोल्ड कैन नॉट बी सेपरेबल, यू मस्ट मे नीड टू क्रिएट शट ऑफ सर्फेस। ये यहीं पे बता रहा है क्या करना, अगर यहाँ पे होल आपके ये बंद होते हैं, यहाँ पे कोई होल ना होता तो ये मैसेज ना आता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का आया था। और क्या बोलता वहाँ पे वो, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये द मोल्ड इज सेपरेबल इन टू कोर एंड कैविटी, वो उसमें बताने लग गया था। ठीक है, तो फिलहाल मैं ओके कर देता हूँ। तो मैंने जब ये सबसे पहले क्लिक किया था, उससे क्या हुआ, आपका एक फोल्ड सरफेस बॉडी चलो अपने आप बन जाता है, इसकी कोई इससे कोई उसका लिंक नहीं है, बस ये बन जाता है आपका इंसर्ट मोल्ड फोल्डर, मीन्स कि कैविटी सरफेस बॉडीज, कोर सेवटी सरफेस बॉडी और पार्टिंग सरफेस बॉडी उसने अलग अलग बना दी है। ठीक है, और अलग अलग को अलग अलग में डाल भी दिया, जैसे वो कैविटी का तो कैविटी का सर्फेस में कैविटी में डाल दिया ऑलरेडी, कोर का कोर में डाल दिया। ठीक है, तो ये हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पार्टिंग सर्फेस बनाऊँगा, फिलहाल हमने इसे बनाने नहीं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि क्या होता है। और इसको से चलिए तो हम कर देते हैं, देख रहे हैं ना कैसा आ रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं बना देता, इसको देख रहे हैं आप कैसा बन रहा है सर्फेस, अगर मेरे को ठीक सा नहीं लग रहा है, अगर इसको मैं फिर भी एक बार सिर्फ दिखाने के लिए, टाइम दे रहा है, आप देख रहे हैं सरफेस जो मेरा पार्टिंग सरफेस बॉडीज को भी उसने पार्टिंग सरफेस बॉडी में डाल दिया, देखिए कितने सारे सरफेस में कुछ गड़बड़ है इसमें। तो बेसिकली ऐसे लेना नहीं चाहता, अगर वो सिंपल कंपोनेंट होता तो ये इसी से इसको क्रिएट भी कर देता। तो इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैं एक अपने आप ही मैनुअली एक सर्फेस बनाऊंगा पार्टिंग सर्फेस के लिए। तो मैं सेम पूर्ण डायरेक्शन वाले फेस पे क्लिक करके स्केच क्रिएट करते हैं, सिंपल एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल लेते हैं। तो मुझे ये 25 चाहिए यहाँ से, 20 एक्चुअल में 20 चाहिए मुझे, पर मैं 25 इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे इसका बाद में 5 एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो 25 25 मैंने ले लिया है। मोल टूल्स में दोबारा जाता हूँ, सॉरी मोल टूल्स में नहीं, सरफेस टूल्स में जाते हैं और यहाँ पे पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करता हूँ, सॉरी प्लेनर सरफेस पे क्लिक करता हूँ, वो बाहर वाला उसने सरफेस ले लिया, अब इसको कम्प्लीटली बना रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ खाली चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं करंट स्केच के साथ पार्टिंग लाइन का जो मेरा फीचर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो पार्टी लाइन सेलेक्ट कर लिया, देखो अंदर से उसने खाली कर दिया, तो ओके करके आप हो जाता हूँ प्रॉपरली, देखें तो मेरे पास पार्टिंग सरफेस बन गया। अगर इसको मैं आइसोलेट करके दिखाता हूँ क्या बनाया है एक्चुअल में, तो ये पार्टिंग सरफेस बना है हमारे पास, देख रहे हैं, इसको पार्टिंग सरफेस कहते हैं। ठीक है, एग्जिट आइसोलेट कर लेते हैं हम। तो अब मेरे पास सब कुछ तैयार है, मैं टूलिंग स्प्लिट कर सकता हूँ, टूलिंग स्प्लिट। तो टूलिंग स्प्लिट के लिए मैं फेस सेलेक्ट करके टूलिंग स्प्लिट पर क्लिक करता हूँ, अब हम स्केच में चले जाएंगे। स्केच कैसा बनाया था, जो आपने पार्टिंग सरफेस बनाया उसके अंदर होना चाहिए। तो पार्टिंग सरफेस पे क्लिक करके उसको ऑफसेट कर देते हैं, जो 5 mm एक्स्ट्रा दिया उसको मैं 5 mm यूज़ करके अंदर वो कर देते हैं इसको, तो इसलिए मैंने 5 mm एक्स्ट्रा लिया था। सॉरी सॉरी, अब यहाँ पे क्या है, मेरे को 25 mm की वॉल थिकनेस चाहिए। तो मैं कोर की साइड में ऑलरेडी 25 आ रहा है हमारा डायरेक्शन 1 में, और डायरेक्शन 2 में 25 mm मेरे को इससे एक्स्ट्रा चाहिए इस फेस से। तो 25 mm पर मेरा ये वाला फेस आ जाता है, अगर मैं इसको 25 कैलकुलेट करके यानी कि इसको 50 कर देते हैं तो क्या होगा, फेल होगा, क्योंकि ये इसके एज पे आ रहा है, वो उसको नहीं चाहिए, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। तो मैं इसको 60 कर देते हैं, इसको बाद में हम कट कर देंगे, 60 कर देते हैं। और नीचे क्या चाहिए, नीचे मेरे को सरफेस चाहिए ये वाला पार्टिंग सरफेस। अगर मैंने पार्टिंग सरफेस फीचर से बनाया होता तो वो अपने आप फोल्डर में जाता था, ये अपने आप सिलेक्शन कर लेते हैं यहाँ पे, फिलहाल हमने ऐसा नहीं किया था, मैनुअली सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो ये मेरी कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हो गई है, मैं सरफेस बॉडीज को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, स्केच भी हाइड कर लेते हैं। ठीक है, और पार्टिंग लाइन भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मेरे को क्या देखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो जो 10 mm एक्स्ट्रा उसको कट करते हैं। स्केच बनाया मैंने, इसको वायर फ्रेम कर लेते हैं ताकि हम प्रॉपर रिलेशन दे सकें डिज़ाइन इंटेंट प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए। इसको मैं इसके साथ रिलेशन दे देता हूँ कोलिनियर का, और इसको एक्सट्रूड कट कर लेते हैं थ्रू ऑल, और बाहर के डायरेक्शन में कट कर रहा है। ठीक है, ओके कर देते हैं, दोबारा इसको हम प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं, देखें होल आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास 3 चीज़ें हमारे पास बनी है, कंपोनेंट है। ठीक है, इसको मैंने पहले रीनेम करके रखा था,
टूलिंग स्प्लिटर, कोर और कट एक्सट्रूड जो अभी हमने किया वो कैविटी, ठीक है। कंपोनेंट को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो अभी ये मेरे पास आ गया। इसको राइट क्लिक करके मैं करता हूँ आइसोलेट करके, आपको दिखाता हूँ क्या बना हमारे पास। आइसोलेट किया मैंने इसको, आप देख रहे हैं कैविटी मेरे पास पूरी तैयार हो गई है। एग्जिट आइसोलेट करके आपको कोर भी दिखाता हूँ फटाफट। राइट क्लिक किया, आइसोलेट किया, तो ये मेरे पास कोर आ गई, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, ये कोर जो मेरी इंसर्ट्स है इसको एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो क्या करेंगे, पीछे स्केच बनाएंगे इसके और इसको फिर दोबारा से वायर फ्रेम करूँगा मैं, ताकि मुझे सेंटर मिल जाए। फटाफट बना लेते हैं स्केचेस पे हम। तो मैं कंट्रोल ए करके सबको इक्वल कर देता हूँ और इसको डिमेंशन देते हैं ऐसे, मेरे को कितना चाहिए 10 mm, मेरे को इनफ है, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं टूल्स इसको कर देता हूँ थ्रू। डायरेक्शन वन, डायरेक्शन वन क्या है, जो सिंगल एरो है, डायरेक्शन टू डबल एरो है, तो इसको मैं इधर थ्रू ऑल करके ओके कर देता हूँ। मेरी कोर इंसर्ट्स, ठीक है, इसको सेलेक्ट करके रहता हूँ। ओके, अब इसको हाइड करें तो आपके पास क्या है, कोर इंसर्ट्स हमारी बन गई है यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब इसे आइसोलेट करके रनर सिस्टम भी निकाल लेते हैं यहाँ से। इसको आइसोलेट यहाँ पे अब कर लेता हूँ, स्केच बनाते हैं यहाँ पे हम। इसका सेंटर पहले ही है हमारे पास, तो इसको मैं जैसे 20 डाई चाहिए मेरे को, 20 डाई कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। और इसको भी कोर कर लेते हैं, तो इस डायरेक्शन में मेरे को क्या करना है, थ्रू ऑल करना है, थ्रू ऑल कर देते हैं। इसका मेरे को इतना मतलब नहीं है। और अच्छा, यहाँ पे अगर आपको बॉडी सेलेक्ट करनी है तो बॉडी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी कर रहे हो आप। इसको डिलीट करके मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, कौन सी बॉडी को मैंने डिलीट करना। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो मे बी, अगर मैंने थ्रू ऑल किया तो दोनों बॉडीज में कट करेगा इसको, ठीक है। अब मैंने इसको आइसोलेट किया है इसलिए सिंगल बॉडी सेलेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसको ग्रीन चेक कर देता हूँ, तो ये मेरे पास देख रहे हैं स्प्रू सिस्टम को भी इसने एक्सट्रैक्ट कर दिया। अगर मैं इसको आपको इसको हाइड करके दिखाते हैं, ठीक है। स्प्रू सिस्टम मेरा निकल आया यहाँ से, आइसोलेट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कोर कैविटी एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। अच्छा, मैंने अब से जो मेरी कोर है उसको भी मैंने इंसर्ट बनाना है, इसको आइसोलेट कर देता हूँ मैं। मैंने इनकी भी इंसर्ट्स बनानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, दोबारा से यहाँ पे एक स्केच करते हैं। अच्छा, आप डायरेक्टली इस पर भी क्लिक करके फिर सेलेक्ट कर सकते हो, तो डायरेक्टली आप स्केच में चले जाएंगे। तो इसको मैं वायर फ्रेम कर लेता हूँ कि मेरे को पता लगे कितनी टेंशन लेनी चाहिए। कंट्रोल ए और इक्वल, तो 40 में ज़्यादा बेटर क्या है कि इसको स्केच से देते हैं, नहीं 40 दे देते, ठीक है। ठीक है, तो स्केच से जब मैं बाहर आऊँगा तो डायरेक्शन वन में मेरे को थ्रू ऑल करना है। ओके, और ये मेरे कोर इंसर्ट्स भी बन गए। अब ये आपकी क्या होगी, कोर प्लेट होगी, ये आपकी कोर इंसर्ट्स होगी, ठीक है। अगर आपको, अच्छा, इसमें आपको सेव करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं आप। मैं ऊपर भी पहले कर लेता हूँ, इसको भी हम इक्वल, और इसको भी मैं डायमीटर देता हूँ 45, ठीक है। तो ये भी ठीक हो गया, इसको भी मैं कर देता हूँ, कोर कर लेते हैं हम इसको भी, थ्रू ऑल कर लेते हैं डायरेक्शन वन में। तो ये भी मेरे पास यहाँ पे हो गया है, तो इसको
इसे आइसोलेट कर लेते हैं, इसको आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे बनाइए। इसको आइसोलेट करे दो, ये आपके पास यहाँ पे आपका गेट आ गया, प्लस आपके ये रनल सिस्टम आ गया। रनल सिस्टम मैंने जल्दी जल्दी में वैसा बनाया, आप इसको प्रॉपर डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये प्रॉपरली ऐसा ही बनेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये मेरा बन गया यहाँ पे। अगर आपको इसको चाहिए, आपको असेंबली में आपने इसको डालना है, मतलब अलग अलग पार्ट चाहिए, आप उसके उसकी डिटेलिंग के लिए आपको चाहिए, किसी भी पर्पस के लिए अलग अलग आपको चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड करके ये कोर बॉडी का फोटो है। जैसे मैं क्या करता हूँ, फिल्टर लगा लेता हूँ और किसी भी बॉडी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर लेता हूँ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी सिलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या करूँ, कर सकता हूँ इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट, या जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, किसी भी एक को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं कैविटी प्लेट को कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया यहाँ पे और इसको मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट इनटू न्यू पार्ट। क्या फाइल नेम देना, मैंने पहले ले लेते हैं, ये मेरी कैविटी प्लेट है तो कैविटी प्लेट नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गई और इसको ग्रीन चेक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चला गया। ठीक है, अब इसकी अच्छी बात क्या है, मैं पहले सबसे पहले इसको सेव करता हूँ, अच्छी बात आपको बाद में दिखाता हूँ। सेव ऑल किया, अच्छी बात ये है इसकी, अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली उस पर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं चैम्फर देता हूँ इसको, से 0.5 का मैंने चैम्फर देना है। तो ये 0.5 का चैम्फर, अगर मैं उस पर भी जाऊँ अपने दूसरे जो मैंने सेव किया बाद में, वहाँ पे भी ये चैम्फर अपने आप अपडेट हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे आप कुछ करोगे वहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपने, क्योंकि ये बेसिकली इसका चिल्ड्रन पार्ट है। तो इसको दोबारा सेव कर देते हैं और दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा फेसबुक पेज भी जाके लाइक कीजिए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होपफुली जिस व्यूअर ने वैसे ये क्वेश्चन पूछा था उसको प्रॉपरली आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मेरे को दोबारा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।